हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है पैरा मेडिकल कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो हैं आपकी 1376 टोटल वैकेंसी है आपकी। 1376 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी है। पैरा मेडिकल कैटेगरी में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये जो है अभी तक आरआरबी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी ये होगी आपकी 17 अगस्त। 17 अगस्त से जो है ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी। 17 अगस्त 2024 से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 16 सितंबर। 16 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 16 सितंबर 2024 तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल कैटेगरी में ये वैकेंसी है। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट वैकेंसी है आपकी वो है डाइटिशियन की, 5 टोटल वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी जो है वो 713 वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी 713 टोटल वैकेंसी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसके अलावा ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की आपकी 4 वैकेंसी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आपकी 7 वैकेंसी है। डेंटल हाइजीनिस्ट की आपकी 3 वैकेंसी है। डाइटिशियन टेक्नीशियन की 20 वैकेंसी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की आपकी 126 वैकेंसी है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की आपकी 27 वैकेंसी है। परफ्यूमनिस्ट की आपकी जो है वो 2 टोटल वैकेंसी है। साइको फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की आपकी जो है 20 वैकेंसी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आपकी 2 वैकेंसी है। ऑथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी जो है वो 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की आपकी जो है 246 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की आपकी जो है वो टोटल वैकेंसी जो है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की वो है आपकी 246 यहाँ पर वैकेंसीज हैं आपकी फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की। उसके बाद आपकी जो है वो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की 64 वैकेंसी हैं। 64 आपके रेडियोग्राफर की वैकेंसी हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। स्पीच थेरेपिस्ट की आपकी जो है 1 वैकेंसी है। कार्डिक टेक्नीशियन की आपकी 4 वैकेंसी हैं। ऑप्टोमेरिस्ट की आपकी जो है 4 वैकेंसी है। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन की आपकी जो है वो 13 वैकेंसी है ईजीसी टेक्नीशियन की। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की आपकी जो है वो 94 वैकेंसी है। 94 वैकेंसी जो है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की है। और फील्ड वर्कर की आपकी जो है वो 19 वैकेंसी है। 19 वैकेंसी जो है वो फील्ड वर्कर की है। इस तरह से टोटल आपकी जो है ग्रैंड टोटल जो है वो है 1376 टोटल वैकेंसीज हैं पैरामेडिकल में ये वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो है आपको 3 ईयर की एज इलेक्शन प्रोवाइड की गई है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 3 ईयर की एज इलेक्शन होगी। जो भी अपर एज लिमिट है उसमें 3 ईयर जो है वो प्लस कर दिए जाएंगे। एज लिमिट जो है उसको हम आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उस दौरान हम चेक करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको बताया गया है। मेडिकल फिटनेस आपकी इस तरह से होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिटेल नोटिफिकेशन में ही बताएंगे ये। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो CBT टेस्ट होगा आपका। जो एग्जामिनेशन फीस है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जो OBC और EWS की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 250 रुपये अगर आप इनमें से किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये फ़ीस जो है वो जब आप अपीयर होंगे CBT टेस्ट में तब आपको जो है रिफ़ंड कर दी जाएगी। CBT टेस्ट में प्रेजेंट होने पर आपको जो है ये 250 रुपीज़ जो है कम्प्लीटली रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं और जनरल EWS OBC कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं तब 500 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है आपने, जिसमें से 400 रुपीज़ जो है आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जब आप CBT टेस्ट में जो है अपीयर होंगे तो 400 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। वैसे आपने पे करनी है 500 रुपीज़। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बताएंगे। और ये एप्लीकेशन फ़िलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 17 अगस्त। 17 अगस्त ये एप्लीकेशन फ़िलअप होना स्टार्ट होगी आपकी। डिटेल नोटिफिकेशन आते ही उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।